सीटू के बैनर तले आशा उषक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाली रैली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर शीघ्र कार्रवाई की मांग। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीटू के बैनर तले शहर में रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। रैली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन सीटू के बैनर तले आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली। जमकर नारेबाजी की इनका साफ तौर से कहना, हम लोग नौकरी करके कुछ रिटायर हो गए, कुछ रिटायर होने के कगार पर पहुंच गए, लेकिन हमें अभी तक न्यूनतम वेतन की सुविधा भी नहीं मिल पाई। हमको सरकार ने किसी भी तरीके का मानदेय आज तक नहीं दिया। हमें सरकारी कर्मचारी भी नहीं माना जाता, जबकि काम सबसे ज़्यादा हम ही से लिया जाता है। हमारी समस्याओं की ओर शासन का ध्यान नहीं जा रहा। यह आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाते हुए अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना, राज्य सरकार के द्वारा अपने हिस्से के मानदेय में की गई अनुचित कटौती का आदेश तुरंत निरस्त करें एवं अक्टूबर 2018 से काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान तत्काल किया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कर्मियों ने मानदेय को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर महंगाई भत्ता प्रदान करने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्रों के क्षतिग्रस्त भवनों की तुरंत मरम्मत कराई जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी आदि बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आसपास के काफी आंगनबाड़ी केंद्र क्षतिग्रस्त हैं, जिसके अंदर बैठकर बच्चों के साथ काम करने में डर लगता है। बच्चों को पढ़ाते समय ऐसा लगता है कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तत्काल ही भवनों की मरम्मत कराई जाए, जिससे बगैर डर के आंगनबाड़ी केंद्रों में काम किया जा सके। कार्यकर्ताओं ने मांग की है, सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के सभी लंबित वेतन और सभी भत्तों को तुरंत जारी किया जाए। मजदूरी का नियमित भुगतान सहित सारी बातें सुनिश्चित की जाए। हमने कुछ लोगों से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आशा सहयोगी एकता यूनियन से जिला अध्यक्ष रंजना द्विवेदी बोल रही हूँ। हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है कि हम लोग की सरकार सुन नहीं रही है। काम सिर्फ शुरू से लेके अंत तक का सिर्फ आशाओं का रहता है और फिर बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है, जबकि फील्ड में काम हर वक्त रात दिन बराबर आशाएं करती हैं। अब हम लोग सरकार यदि अपने मन का करती है तो अब हम लोग अपने मन का करेंगे और सरकार के खिलाफ ऐसे ही एक हफ्ते का आंदोलन चलेगा और हम लोग अपने लड़ाई के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जी हम लोग की मांगे है कि जो मानदेय न्यूनतम वेतन बढ़ाएं, हम लोगों के काम का जो सही दाम है वो हम लोग को पैसा मिले जाए, मानदेय मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। हम लोग को कोई सुविधा भी अभी तक नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार के ना आशाओं को कोई बीमा मिलता है, न डिलीवरी, किसी भी प्रकार का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। सिर्फ जो काम करते हैं उसका दाम मिलता है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक सुनिश्चित मानदेय चाहिए। पूरे प्रदेश स्तर का धरना जी, हमारा आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है आज पूरे देश में चल रहा है, हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और ये आंदोलन हमारा आज सारे जो जिन मुद्दों को लेके है वो प्रधानमंत्री से संबंधित भी हैं कि सरकार हमें किसी तरह से कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है, ना न्यूनतम वेतन दे रही है, ना तो जो श्रम सम्मेलन में निर्धारित हुआ था 45 में और 47 में कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, ये दिया जाए, तो वो नहीं दे रही है। और राज्य सरकार से भी हमारी जो लड़ाई है वो है, उनके लिए भी हमारा ज्ञापन है। और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं और जो भारत सरकार है, वो दोनों का एक जो पोषण ट्रेकर शुरू किया है, वो पोषण ट्रेकर में कोई भी सुविधा नहीं देते हुए वो ज़बरदस्ती काम करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी की कोई कमी रह जाती है, मोबाइल नहीं है, अब परिवार में बच्चों के पास है, कैसे तैसे करके वो काम कर रही है, लेकिन अब वो मोबाइल तो बच्चे लेके चले जाते हैं, तो वो ट्रैक करने का भी काम उनने शुरू कर दिया है कि 9 बजे जो है वो केंद्र खोलो और आप उसके अंदर जाओ और फिर 4 बजे उससे बाहर निकलो। तो ये
ये सारा जो कार्यक्रम है ना तो उन्होंने मोबाइल दिया और ये सारा करवा रहे हैं, उसके साथ में बहुत सी उसमें असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक किसी तरह से वो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित ना करें, उनको पनिश ना करें, उनका मानदेय काट रहे हैं, सेवा समाप्त कर रहे हैं, ये सारा जो इन्होंने बना रखा है सारा, तो इसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और सरकार जो है मोदी जी जो हैं उन्होंने 92 एपिसोड में जो बोला है मन की बात में कि जो कुपोषण है वो भजन करने से खत्म होगा, और मध्य प्रदेश में भजन करवाया जा रहा है और कुपोषण दूर किया जा रहा है। तो यदि भजन करने से ही कुपोषण दूर होना है तो सारे खाने पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारे लोग भजन करने लगे। तो हमारी मांग ये है कि सारे ये अंधविश्वास जो फैला रहे हैं इसको ख़त्म करें और बच्चों के लिए अच्छा पोषण आहार दें और उनकी देख रेख के लिए अच्छी व्यवस्था दें, ये हमारी मांग है सरकार से। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन दें, जब तक न्यूनतम वेतन सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं तो न्यूनतम वेतन दें। और जो रिटायरमेंट पे माने मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2018 में 8 अप्रैल को कि उनको रिटायरमेंट पे 1,00,000 रुपये कार्यकर्ता को 75,000 रुपये सहायिका को देंगे, वो आज तक नहीं लागू किया। सारे लोग खाली हाथ जो है अपने घर जा रहे हैं, आज उनकी कंडीशनें बहुत ख़राब हैं, जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है वो भीख मांगने की स्थिति में, और अभी इस उम्र में तो भीख भी नहीं मांगी जाती। और देखिए खाना भी लगता है, रोटी भी लगती है, कपड़ा भी लगता है, दवाई भी लगती है, लेकिन है कुछ नहीं। तो सरकार ने इस तरह से निहत्था कर दिया है, भिखमंगा बना दिया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम पेट चलाने के लिए उनको कुछ पेंशन तो दें। ये किशोरी वर्मा, प्रदेश महासचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन। नई और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।